हेलो एवरीवन, तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं कलाकंद की रेसिपी। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार होगा और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका से कलाकंद बनाने के लिए एक बाउल में हम थोड़ा सा पानी डालकर एक गिलास दूध डालेंगे। तो सिर्फ एक गिलास दूध से ही हम आज कलाकंद बनाएंगे। अगर आपके घरों में दूध का क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर आप दो गिलास दूध ले लें। तो गैस को ऑन कर लेते हैं और दूध में एक बॉयल आने देते हैं। तो आज हम बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड से कलाकंद बनाने वाले हैं। तो ब्रेड का पहले हम ब्राउन वाला पोर्शन को हटा लेते हैं और इस तरीके का केकटिन में ब्रेड को सेट कर लेंगे। तो पहले हम ब्रेड का ब्राउन वाला पोर्शन को हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से सारे ब्रेड का ब्राउन वाला पोर्शन को हम हटा लेते हैं पहले। तो सारे ब्रेड का ब्राउन वाला पोर्शन को हम हटा लिए हैं, तो केक टिन में अब हम इसे सेट कर लेते हैं। तो केक टिन में हमारा जितना लेयर बनेगा उतना लेयर बनाएंगे ब्रेड से। तो बिल्कुल इस तरीके से इसे सेट कर ले अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर ब्रेड से कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरीके से आप ब्रेड का कलाकंद बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो हमने यहाँ पर ब्रेड का तीन लेयर लगाया है, तो अब जो कॉर्नर में बच रहा है जगह उसमें भी हम ब्रेड को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से पहले एक ब्रेड को कट कर लेंगे और एक ब्रेड का आधा आधा पोर्शन को हम इस तरीके से कॉर्नर में भी रख लेंगे। तो केकटिन में हमने ब्रेड को अच्छे से सेट कर लिया है, जितना हमारा ब्रेड आया उतना हमने लगा लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर दूध में बॉयल आ गया है, तो अब मीडियम फ्लेम पे इसे एक से दो मिनट तक दूध को इसी तरीके से बॉयल होने देते हैं कि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए। तो एक से दो मिनट तक दूध को हमने इस तरीके से थिक कर लिया है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर मीठा के लिए हम डालेंगे इसमें दो बड़े चम्मच चीनी। तो चीनी का क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद यहाँ पर दूध को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दूध में चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। तो यहाँ पर हमने इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और चीनी भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से दो करछी दूध निकाल लेंगे। तो आप किसी भी बर्तन में इस तरीके से दो करछी इसमें से दूध निकाल लें, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो करछी दूध निकाल लिया है, तो अब हम दूध में डालेंगे दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहले भी बताया कि अगर आपके घरों में दूध का क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप सिर्फ दूध लें और मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स करें कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर आप मिल्क पाउडर को विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध में मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। तो जो हमने दूध निकाल कर रखा था उसमें से थोड़ा सा दूध हम ले लिए हैं और इस तरीके से थोड़ा सा येलो फूड कलर मिक्स कर लिए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर केसर के धागे को दूध में भिगोकर उसे भी डाल सकते हैं और येलो फूड कलर को स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा डालेंगे दूध में। तो दूध में हम थोड़ा थोड़ा फूड कलर डालते ही इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो एक से दो मिनट तक अब दूध को हम थिक कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो मीडियम फ्लेम पे एक से दो मिनट तक दूध को हमने थिक कर लिया है, तो आप देख सकते हैं दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। और आप दूध में मिल्क पाउडर मिक्स करें तो इसे चलाते हुए ही थिक करें, क्योंकि मिल्क पाउडर एकदम हल्का होता है तो नीचे जाकर चिपक जाएगा। तो हमें जितना दूध को थिक करना था उतना हमने थिक कर लिया है। तो गैस को कर देते हैं बंद। तो आप दूध देख सकते हैं एकदम रबड़ीदार बनकर तैयार हो गया है। तो इसे अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर जो केकटिन में हमने ब्रेड को सेट किया था, पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो केकटिन खाली करने के बाद हम इसमें मलाई वाला दूध डालेंगे इस तरीके से। तो चारों तरफ से इसमें मलाई वाला दूध डालें। तो यहाँ पर मलाई वाला दूध डालने के बाद हम जो दूध को निकाल कर रखे थे उसमें से थोड़ा सा दूध डालेंगे इस तरीके से, आधी करछी।
और इसे अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पर केक टिन में मलाई वाला दूध और मीठा वाला दूध फैलाने के बाद चारों तरफ से जैसे हम ब्रेड को सेट किए थे वैसे सेट कर लेते हैं। तो पहले एक लेयर ब्रेड का लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि नीचे यहाँ पर मलाई वाला दूध डालने के बाद ही ब्रेड को सेट करना है। इससे क्या होगा कि नीचे तक ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद दो दो लेयर लगा देते हैं ब्रेड का। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से अगर कलाकंद का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करें। तो केक टिन में इस तरीके से हमने 8 ब्रेड रख लिया है। तो अब हमें इसे अच्छे से सॉफ्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसमें 2 करछी या 3 करछी दूध डालेंगे इस तरीके से, जो हमने दूध को गाढ़ा करके निकाला था। तो यहाँ पर हमने मलाई ज़्यादा नहीं बनाया है, तो इसलिए आप इस तरीके से दूध निकाल लें कि इससे ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद ब्रेड का एक एक लेयर और लगाएंगे हम इस तरीके से। तो ब्रेड को कॉर्नर में भी जैसे हम सेट किए थे वैसे रख लेते हैं। तो सारे ब्रेड को यहाँ पर हमने अच्छे से सेट कर लिया है। तो जो दूध बचा है उसे भी हम इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से डालेंगे। तो चारों तरफ से यहाँ पर मीठा वाला दूध डालने के बाद अब हम इस पर मलाई वाला दूध डालेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम रबड़ीदार मलाई वाला दूध डालेंगे इस पर। तो आप इस तरीके से कलाकंद बनाएंगे तो अंदर से एकदम सॉफ्ट लगेगा और ऊपर से खाने में एकदम रबड़ीदार। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप कलाकंद बनाएं अगर ब्रेड से बना रहे हैं तो। तो इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से फैलाते हुए रबड़ीदार मलाई वाला दूध डालते हैं। तो यहाँ पर रबड़ीदार मलाई वाला दूध डालने के बाद हम चारों तरफ से इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो अच्छे से हमने सेट कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पर आप अगर घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट डालने पर। तो इस तरीके से चारों तरफ से हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल लिया है। तो हमें इसे अभी ही नहीं कट करना है, इसे हम रख देते हैं सेट होने के लिए। आप चाहे तो ओवरनाइट रख सकते हैं, नहीं तो 2 से 3 घंटा तक फ्रिज में ज़रूर रखें। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सिल्वर फॉइल पेपर। तो इस तरीके से इसे अच्छे से लगा दें और इसे कम से कम 2 से 3 घंटा तक फ्रिज में रख दें। तो 2 से 3 घंटा फ्रिज में रखने के बाद इसे हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से सिल्वर फॉइल पेपर को हटा लेते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से हमारा जो कलाकंद है वो बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने से ही। तो अब हम यहाँ पर कलाकंद का शेप दे देते हैं। तो इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना अंदर से एकदम सॉफ्ट हुआ है। तो बस कलाकंद आप अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो दूध डालना बिल्कुल ना भूलें। अंदर में दूध डालें ऊपर से मलाई, तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, आपके घरों में भी अगर मेहमान आ जाए और घर में ब्रेड हो तो आप बिल्कुल ही कम चीज़ों से बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। और मेहमान को आप सर्व करेंगे तो वो आपका तारीफ़ करते थक जाएंगे, ये इतना टेस्टी लगता है खाने में। तो हमने यहाँ पर कलाकंद का शेप दे दिया है। तो हमने यहाँ से एक कलाकंद निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं अंदर तक कितना अच्छा से दूध है अभी तक, और आप देख सकते हैं अंदर से कितना सॉफ्ट हुआ है कलाकंद, और देखने से लग ही नहीं रहा है कि कलाकंद हमने ब्रेड से बनाया है। तो चलिए इस रेसिपी को आप सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे चम्मच से भी खा सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से कलाकंद का शेप देकर खाएं, ये आपकी चॉइस है। तो सर्व करते टाइम आप कलाकंद का टेक्सचर देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही, और कितना अंदर तक सॉफ्ट हुआ है दूध डालने से। तो कलाकंद का आज का रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।